हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, बहुत दिनों के बाद ये आवाज़ सुन के आप मुझे भूल तो नहीं गए। मेरा नाम आयुष है और फरवरी 19 से 21 2024 में मैंने और मेरी बहन शिवानी ने दो नाइट्स के लिए डिकाला में स्टे किया। इस पूरे एक्सपीरियंस को हमने साथ ही साथ रिकॉर्ड भी किया। हमें बहुत से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए जिसको हम एक के बाद एक वीडियोज़ में निकालेंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए टिकाला की इस जर्नी पर और एक्सपीरियंस करिए कि जंगल में नाइट स्टे फील कैसा होता है। सो बस सफारी नंबर 3, सब जीप्स में बैठ रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 3-4 मिनट्स। एलिफेंट्स का बहुत सुंदर हर्ड आ गया। एलिफेंट्स, शानू, जस्ट वॉच योर स्टेप्स। टाइम है अभी सफारी का 1:45 से 5:45। सब गाड़ियाँ सेट है, नए लोग आ गए हैं, पुराने चेकआउट कर गए, सब नए जोश से आए हैं। पिछली सफारी में जो भी हुआ, नेक्स्ट सफारी के स्टार्ट तक आते आते सब में वापस वही जोश और उम्मीद आ जाती है, और आनी भी चाहिए। होपलेस होकर जंगल में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। Be hopeful, be respectful, trust your instincts, follow the footsteps, follow the jungle. देखते हैं, सब सेट है, सारी गाड़ियाँ। वाह यार, बेस्ट फीलिंग। गाड़ियाँ सीधा भागेंगी वहीं पे जहाँ देखे हमको बच्चे। बहुत ही बढ़िया माहौल हो रहा है। अच्छा, एंट्री कर जाते हैं, जल्दी करा बात। तू भाग पाएगी नहीं तो मैं ये पकड़ में भागता हूँ। गाड़ी नंबर 9860। एपिसोड नंबर 17 तक आने के लिए थैंक यू। जिसने पहले के एपिसोड्स ना देखे हो वो भी ज़रूर देखें, और जिसने देख रखे हैं वो तैयार हो जाएं सफारी नंबर 3 के लिए। और ये वो नहीं लग रहा है वैसे, जैसे नहीं, एक गेम जिसमें आप जब दौड़ते हो तो आपको एक कदम पे वो मिलता है, उसको वो पकड़ाते हो। दिस इज द बेस्ट मोमेंट यार, सीरियसली। ओके, हालत देख रवि, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ललित है। ललित पांडे। फाइनली हमें गाइड मिल गया, और गाइड के होने से सफारी के एक्सपीरियंस पे क्या इम्पैक्ट आता है ये आपको भी पता लगेगा। पहले दो सफारी के एक्सपीरियंस के बाद के फीडबैक से हमने सफारी में एंट्री भी थोड़ा जल्दी की। पहली गाड़ी तो अब भी नहीं थी, पर आखिरी भी नहीं थी। So, beautiful start to third सफारी। दो दिन से जहाँ पे मिस हो रहे थे वहीं पे दो प्यारे बच्चे बैठे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे बैठे हैं। एक का पोज वैसा ही है, एक का पोज वैसा ही है, तीनों बैठे। तीसरा कहाँ है? ये उसी के पीछे। किधर शानू? उसी के पीछे है, जो इधर जो बैठा है ना। हाँ, एंगल छोड़ना मत, एंगल ना छोड़ना, बहुत अच्छा लगा।
गाड़ी आगे में बड़ा जी, मैं पीछे कर रहा हूं। आप हमें भी काल लेते आगे, मैं साइड दबा रहा हूं। ठीक है, तो फिर और आगे भी ले सकते हो। रुक जा, बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। इसमें दिखेंगे नहीं, आपको दिखाता हूँ, उसमें देंगे। एंटर करते ही दिख गए, दिख गए। यहीं आना ही था उनको, पानी पे उनको मम्मी ने बोल के रखा है। क्यूट। और आगे झाड़ी आ रही है, और आगे थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, वो कोई ये मिल गया। अच्छा अच्छा, ये बताना तीसरा नहीं है, तीसरा कहाँ दिख रहा है तेरे को? लगा उसके पीछे है। नहीं नहीं, दो तीसरा पीछे हो। सो पांडे जी की गाड़ी में एंट्री हुई और साइटिंग हुई। पांडे जी से पहले ही जीप पे ऐसे टच करवा लेते, हो जाता है कभी कभी टोट। हम लोग जो पहले देखते थे उधर, तो हमारी गाड़ी में ड्राइवर हमारे पांडे ही थे, तो पांडे से पेड़ पे आएंगे ये मुझे लगता तो है। तो केओस बढ़ता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट बच्चे माँ का वेट कर रहे हैं। फोन मत तो जा रहा है। शोसी का ले रही हूँ दूसरा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, तीसरा वाला तीसरा भी यहाँ नहीं है, आगे पीछे ही होगा। तीसरा भी इधर ही होगा, झाड़ी में होगा, पीछे इनकी नज़र में होगा, हमारे में नहीं है। ब्यूटीफुल यार, फाइनली पेड़ वाली कब्स। और अब इंसान का बढ़ता हुआ लालच ये कहता है कि अब ये पेड़ पे आ जाए। गर्मी है ना? हाँ गर्मी हो। हाँ हाँ, और समय है सफारी पे, तो ये भी अच्छी बात है। कॉन्फिडेंट यार, दे आर सो कॉन्फिडेंट। लुक एट दोज गेयर्स मैन, ऑल द गेयर्स। सारी गाड़ियों में गेयर्स ऐसे लगे हैं। शानू, आर यू गेटिंग अ क्लियर शॉट और डू यू हैव लीव्स इन द बिटवीन? इफ लीव्स, गो टू गाइड सीट, पुट द बीन बैग उस पे रखो, क्लियर शॉट आएगा उसके मुंह का। शुभा नहीं जाना अभी, वो मूव करेगा, मैं नहीं मूव करना चाहती। अच्छा ठीक है, ठीक है, वॉट एवर यू कम्फर्ट, टेक योर कॉल, वेट वेट एवर यू कम्फर्टेबल विद। एंड दे आर वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो सब्र का मीठा फल हमारे सामने था। दो सफारी से जबरदस्त टाइगर साइटिंग मिस करने के बाद फाइनली हमें बच्चे दिख गए। एक तरफ उनको देखने की खुशी थी और दूसरी ओर इस बात का दुख भी था कि ये बच्चे भूखे हैं। अब कब नंबर टू, कब नंबर थ्री नहीं दिख रहा। दे आर वेरी लेजी बट अडोरेबल। थोड़ा सा अभी धूप के मजे ले रहे हैं। अब धूप से डिस्टर्ब होंगे तो उठेंगे। उठ गया एक, उठ गया, पलट गया है। हैप्पी फेसेस। शानू, हमारे BTS बेचारे माँ का वेट कर रहे हैं। अम्मा डियर लेके आओ भाई, किधर हो मम्मा? कितने ज़्यादा सिंसियर होते हैं। भी आपने इनको पहली बार कब देखा था? भी आपने इनको पहली बार कब देखा था आपने? हमने पहली बार देखा था नवंबर में, ये लगभग तीन से चार महीने। अब तो फुल्ली मीट पे ही है ना ये, मदर मीट पे। हाँ। तो ये दो दिन से यहीं पे है, मदर आई नहीं, कुछ मीट नहीं, कुछ नहीं। मदर आई थी ना सवेरे, आई थी सुबह, मदर ने सुबह कॉल डाउन किया था, तब बच्चे उधर गए। अच्छा, जो उधर कॉल किया था वो पेड़ वाली थी, लोग कह रहे बार वाली थी, उधर बार वाली थी, इधर पेड़ वाली। अब ये उठेगा, अब ये उठेगा, ये उठने वाला है। कोई बात नहीं, ये लगा लगा वो धूप फिर हमारा खत्म हो जाएगा। नहीं तो हाँ, सुबह आप क्या बता रहे, सुबह मदर आई थी इनकी, बट किल नहीं हुआ अभी तक। उसने क्राउन किया था अंदर से, हाँ बच्चे इधर से उधर गए थे, हाँ
लेकिन किल किया नहीं किया या फिर किसी को नहीं किया होगा मोस्ट प्रोबब्ली। स्टॉकिंग पे कल से है, कल से स्टॉकिंग पे, कल मॉर्निंग हमको दिखी थी स्टॉकिंग पे थी ऑलरेडी मदर। कब से यही है, दो दिन से, क्योंकि यहाँ पे आप जगह जगह शिफ्ट करते रहे। राइट, बढ़िया, परफेक्ट प्लेस, ये बहुत अच्छा स्पॉट है, पानी है, पेड़ है और कैमोफ्लेज है पूरा। बट बच्चों के हिसाब से काफ़ी बोल्ड है, डर नहीं रहे बिना माँ के। जैसे हमने ना अभी वहाँ पे भी देखा था एक हफ्ते पहले, वो निकले नहीं जब तक माँ नहीं आई, वो डर के मारे निकले ही नहीं। अब अभी ऐसा ही है, बच्चे लगभग पिछले 3 महीने से जो है निकल रहे हैं, जैसे माँ के साथ कभी कभी दिख रहे हैं गाड़ी में साथ ना, तो कॉन्फिडेंट हो गए, देख लिए, यूज्ड टू हो गए, थोड़ा थोड़ा यूज्ड टू हो रहे हैं अभी। अब थोड़ा बोल्डनेस भी आ गई है, बच्चे इतने छोटे भी नहीं, छोटे बच्चों अब छोटे नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक छोड़ देंगे ना। मेल फीमेल पता नहीं चला होगा ना अभी, पता लगा है कुछ कुछ, कोई कह रहा 2 फीमेल है, कोई कह रहा 1 फीमेल है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर तक तो नहीं समझते, नहीं रहेंगे नेक्स्ट ईयर, 2 साल, 2.5 साल के बाद। हाँ, 2.5 साल में तो पक्का, डिपेंड करता है वो भी, मेल कौन है फीमेल कौन है। तीसरा होगा, उसी के पास गया, उसको धूप परेशान कर रही थी एक्चुअली। बर्गर लग रहा है भाई, बोलने वाली थी मैं कि बर्गर लग रही थी। भैया जो वो है क्या नाम है, पार वाली के जो है, वो तो बहुत छोटे हैं ना, वो लगभग इनसे 2-2.5 महीने छोटे हैं ना। उनकी तो फर्स्ट साइटिंग भी मेरे ख्याल से अभी तो हुई, 3-4 महीने पहले ही हुई उनकी भी फर्स्ट साइटिंग, आई थिंक सेकंड जेन को हुई, सेकंड जेन। ओके ओके ओके, जो वो पत्थर पे दिखे थे है ना, वही है। राइट राइट राइट, वो थोड़ा ज़्यादा साइज में भाग गए अभी गाड़ी, बिकॉज उसकी मदर भी अभी मेन टेरिटरी में सो गई ना, उसकी पेड़ वाली की टेरिटरी है ज़्यादा है, शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट यहाँ पे। अब आगे जगह भी तो थोड़ी पेड़ आ जाएगा, ये मेरे भाई ये वाला सामने पेड़ आ जाएगी, लेके लगा ली। जंगल में बेस्ट फीलिंग क्या होती है, क्या आप कैमरा बंद कर दो कि टाइगर हिल नहीं रहा। तो बच्चे आ रहे, लग रहा है इस साल बच्चों का सीजन है, पहले रिद्धियन कप्स, नाउ पेड़ वाली के कप्स। तो बच्चे शोर कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स ओके, क्या करें, कांट कंट्रोल एवरीथिंग। सो इसी लेट टाइम से आने का इम्पोर्टेंस है, ज़रा सा आप आगे पीछे हुए और आप रिक्वेस्ट करते रह जाओगे कि प्लीज आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ। पहले बच्चे को कौन ही छोड़ेगा। पीछे वाला यार आ रहा, बेबी पेड़ पे आना चाह रहा है, इनको अब ना बोर हो गए, खेलना चाह रहे हैं। आ रहा है, सामने आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, एक दिख रहा है मुझे। ये कितना प्यारा लग रहा है, इसके कान देख ले, ये आगे वाला, वाह व्हाट अ ब्यूटी। अभी तो कोई नहीं हटने वाला, जाना आ रहा है, आ रहा है, दोनों एक ही फ्रेम में आएंगे, कम ऑन, बस आने वाला है, बस नहीं आ रहा है, आ रहा है, अच्छी बात है, पानी पाएंगे, वो ड्यू ले रहा है ना वहाँ से। माय गॉड कितना अडोरेबल, आएगा आएगा, पानी धूप लगेगी ना तभी, इसलिए उधर इधर हो रहा है। ये ठंडी जमीन में बैठा है इसलिए सही है, रिलैक्स्ड है। जो पहले दिन की साइटिंग हमने दिखाई थी वो इसी पेड़ की है, तो आप देखोगे, और हम अब यहाँ पे होप लगा रहे हैं कि आपको वहीं पे ये आ जाएं। आई थिंक दे आर हंग्री, वेरी वेरी हंग्री, बट दे आर सिंसियरली वेटिंग फॉर देयर मदर। काफ़ी जो गाड़ियाँ लेट आई हैं वो परेशान हैं, तो उनको लंच करना या लेट चेक इन करना खल गया। 2 दिन से हम लोग यही बोल रहे हैं कि टाइम पे जंगल में आना, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
यू हैव 4 hours 240 minutes. ये टाइम हो रहा है 2:17. वो साइड पे बैठे थे, हमने जो वीडियो देखा है वो उस एंगल का है, जो ये पेड़ दोनों मोटे तने जा रहे हैं ना, इसके बीच में पहला बैठा था यूं करके, पीछे से एक वॉक करके आया. आएंगे अगर माँ नहीं आई तो आएंगे. बात यह है कि दिखाला में गाड़ियों का पेशेंस ख़त्म नहीं होना. हाँ, सो एनीवे टाइम हो रहा है 2:17, 2:20 और बच्चे अभी यहीं हैं, एक पीछे घास में, एक ये और तीसरा भी दिखा नहीं है बट है आसपास. और पीछे से अभी उस डायरेक्शन में, उधर उस डायरेक्शन से कॉल आई, अलार्म कॉल. तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो इनकी माँ, इसलिए लोग बहुत अलर्ट हैं, ढूंढ रहे हैं कि, क्योंकि इनको सुबह माँ आई थी बट इनको किल मिला नहीं है अभी. बच्चों को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो माँ के आए बिना कहीं जाएंगे. और डिकाला की एक खासियत है कि यहाँ पे सफारी वाले टाइगर्स की रिस्पेक्ट करते हैं. अलार्म कॉल्स पीछे से आ रही थी तो हमने डिसाइड किया कि बच्चों को थोड़ी राहत देते हैं, बाकी गाड़ियों को भी देखने का मौका देते हैं और आगे जाके किसी और बाघ को ढूंढते हैं. इस अप्रोच के साथ हम बढ़ गए आगे. कहाँ पे दिखे थे? Exactly. उधर वो नाला सा दिख रहा है, बड़ा लग रहा है. हाँ, से उतर के आई ऐसे.